चार साल बाद छात्र संघ के चुनाव में लेफ्ट ने अपना दबदबा बरकरार रखा। चुनाव में अध्यक्ष पद पर लेफ्ट के धनंजय, उपाध्यक्ष पद पर अभिजीत घोष, महासचिव पद पर प्रियांशी आर्या और संयुक्त सचिव पद पर मोहम्मद साजिद ने जीत हासिल की। लेफ्ट की जीत के साथ ही उनके समर्थक छात्रों ने हाथों में लाल और सफेद झंडे लहराकर अपने प्रेसिडेंट का वेलकम किया। इतना ही नहीं, झंडों के साथ लाल सलाम का नारा देकर ये बता दिया कि जेएनयू में लेफ्ट का दबदबा कायम रहेगा। दरअसल 24 मार्च को आए चुनावी नतीजों में करीब 3 दशकों यानी 28 सालों के बाद लेफ्ट समर्थित ग्रुप को पहला दलित अध्यक्ष मिला है। प्रेसिडेंट धनंजय बिहार गया के रहने वाले हैं और बत्तीलाल बैरवा के बाद वामपंथी दल के पहले दलित प्रेसिडेंट हैं। सलाम के नारे के साथ इससे जुड़े पिछले कई विवाद आंखों के सामने घूमने लगते हैं। हालांकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने देश को कई अर्थशास्त्री, इतिहासकार, शिक्षाविद दिए हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग में भी जेएनयू लगातार टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में शामिल रहता है, लेकिन ये जेएनयू का दुर्भाग्य ही है कि इसकी चर्चा शैक्षणिक गतिविधियों से ज्यादा विवादों की वजह से होती है। जेएनयू परिसर में कभी महिषासुर की पूजा की गई, तो कभी दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों के बलिदान पर जश्न मनाया गया। हद तो तब हो गई जब परिसर में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए। इस मामले से जुड़े कन्हैया कुमार को तो आप भूले नहीं होंगे, जिन पर 9 फरवरी 2016 को एक कश्मीरी अलगाववादी मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी देने के खिलाफ जेएनयू में एक छात्र रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। जेएनयू आज तक इस प्रकरण से उभर नहीं पाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेएनयू में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का उद्घाटन करने के लिए मुरली मनोहर जोशी को कैंपस में नहीं जाने दिया गया था। उस वक्त वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे। वामपंथी विचारधारा वाले छात्रों के विरोध की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा था, जबकि इसके कुछ दिन पहले ही अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने कैंपस में बैठक की थी। आपको बताते हैं कि जेएनयू और विवादों का सिलसिला कितना पुराना है। साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हमले में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। तब आरोप लगा था कि सैनिकों की शहादत पर वामपंथी छात्र संगठनों ने खुशी मनाई थी। इसके अलावा साल 2014 में जेएनयू में महिषासुर बलिदान दिवस नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तब भी आरोप लगा था कि जो पर्चे बांटे गए थे उसमें देवी दुर्गा के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। जेएनयू में फरवरी साल 2016 में भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की तीसरी बरसी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तब भी आरोप लगे थे कि उस दौरान जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। अब एक बार फिर जेएनयू चुनाव में लेफ्ट की जीत और दलित अध्यक्ष धनंजय का वेलकम उनके समर्थकों ने लाल सलाम से किया। हाथों में लाल और सफेद झंडे लिए जेएनयू कैंपस लाल सलाम के नारों से गूंज उठा। अब देखना ये है कि 4 साल बाद हुए चुनाव में जेएनयू में कोई नया विवाद होता है या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।